वीडियो से पहले प्लीज डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़े। वेलकम टू PNS एग्रो। तो आज हम PNS में दिखाने वाले हैं पत्ती की नई गाड़ी आई है, तो ये पूरा फ्रेश स्टॉक है न्यू सीजन का। तो अभी हम लोग बात करेंगे अजीब भाई से भी, क्या माल है, कैसा माल है। अस्सलाम वालेकुम अजीब भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कौन सी गाड़ी है ये पत्ती की? ये नागौर हरी पत्ती आई है नागौर की। तो थोड़ा माल दिखाएंगे? हाँ आ जाओ। माशाल्लाह माल तो बहुत अच्छा आया हुआ है, पूरी गाड़ी अभी अनलोड हो रही है भाई। ये फ्रेश न्यू सीजन का माल है। ओके। एकदम हरी पत्ती है, अच्छी क्वालिटी। हाँ पत्ती की साइज अच्छी है, एकदम बड़ी नहीं है हरियाणा जैसी। ओके। लेकिन अच्छी पत्ती है, और सबसे खास बात इसमें मट्टी नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, एकदम साफ पत्ती है, कांटे नहीं है। कांटे नहीं है जैसे पता चले आप ऐसा पत्ती लेके हाथ में मुट्ठी बंद करो, हाथ में कुछ भी चिपके, मतलब कांटे नहीं। आदमी जो कुछ लोग हैं जो ऐसे भी जो सेमी फिल्टर को फिल्टर बोल के बेचते हैं। ओके। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो फिल्टर है कि नहीं? आप हाथ में पत्ती उठाओ। ओके। उसको जोर से दबाओ, अगर कांटा चुभा हाथ में कहीं भी तो मतलब वो फिल्टर नहीं है सही से। तो अभी ये अपने पास जो माल है ये अपने पास सेमी फिल्टर फिल्टर ऐसा कुछ आता है या सिर्फ फिल्टर आता है? ये फिल्टर आता है, एक्चुअली बोल के डबल फिल्टर आता है। हाँ हाँ, बट अपन फिल्टर बोल के बेचते हैं। ओके। मतलब कि माल अच्छा है, ज्यादा वेस्टेज नहीं रहेगा। हाँ, माल बहुत अच्छा है। ओके। और ये जैसा आप बता रहे थे कि हरियाणा का नहीं, तो हरियाणा और नागौर में कुछ डिफरेंस होता है? हरियाणा की पत्ती बड़ी साइज की होती है। हाँ। और ज्यादातर हरियाणा की पत्ती बारदान की गोनी में आती है, कपड़े की गोनी। ओके। और दूसरा हरियाणा की पत्ती में कांडिया ज्यादा होती है, कांटे भी होते हैं, मट्टी भी होती है। बकरे कौन से शौक से खाते हैं? बकरे ज्यादातर, दोनों लोगों की प्रेफरेंस रहती है, बड़े फार्म वाले हरियाणा की पत्ती प्रीफर करते हैं। हाँ। बड़ी रहती है इसके लिए। ओके ओके। लेकिन जो सही मायने में अगर आपको खिलाना है तो मेरी पर्सनल चॉइस ये रहेगी कि नागौर की खिलाओ। जैसे मतलब पत्ती में एग्जैक्ट लोग क्या रीजन से खिलाते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्या चीज होती है पत्ती में? फाइबर कंटेंट रहता है। ओके। थोड़ा प्रोटीन भी रहता है, पत्ती से डाइजेशन में फायदा होता है, जानवर को तकलीफ नहीं होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जुगाली में आसानी होती है। ओके। तो वही फायदा है। दूसरी बात, अगर अभी समझ लो अभी अपना शॉप कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? अपना कल्याण फाटा मुमरा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट आगे ही है। एंड डिलीवरी कहाँ तक दे सकते हैं? डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, VRL लॉजिस्टिक्स से हरी पत्ती की डिलीवरी या फिर कोई भी और फीड की डिलीवरी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया करते हैं। VRL लॉजिस्टिक्स से कुछ इस तरीके की गोनी पैक होकर आती है, सिलाई होके। क्या एवरेज, क्या गोनी का वेट क्या रहेगा? एवरेज गोनी का रेट तो हम अपने लेबर को ही पूछेंगे, हर हर बार गाड़ी में अलग आती है। अच्छा। तो अब्दुल भाई से पूछते हैं कि इस बार पत्ती का एवरेज वेट क्या है। अब्दुल भाई थोड़ा बताइए कि एक गोनी क्या वेट पर है, क्या वजन की रहेगी? समझा नहीं, दोबारा बोलिए। एक गोनी का वजन कितना रहेगा? एक गोनी का वजन 28 से 30 किलो का आएगा। अच्छा। और माल अच्छा है, फ्रेश है? फ्रेश है, एकदम हरा पत्ता है एकदम। थोड़ा माल एक गुनी हरे पत्ती इसका नाम है, लेकिन इस बार आया है पूरा हरा एकदम। अच्छा माशाल्लाह। एक गुनी उठा सकता है क्या? देखो आराम से उठा सकता है एक आदमी। हल्का ही माल है, मतलब 28 30 किलो रहेगा ना रीफ भाई? ये 28 का 28 से 30 किलो का आता है। चलो बढ़िया, ज्यादा वजन भी नहीं है इसमें। सही, क्योंकि इसमें कांडी नहीं है, एकदम फ्रेश है। ओके माशाल्लाह। तो ये हमारे लेबर से हमने बात करा दी अब्दुल भाई से, माल अच्छा है, फ्रेश है, क्योंकि ये लोग खाली करते तो इनको ज्यादा आइडिया रहता है कि कांटे चुभ रहे नहीं चुभ रहे। हाँ, तो लोगों का वो भी सवाल रहता है ना भाई, पत्ती कितनी बड़ी गोनी है। हाँ, उठा पाएंगे ट्रांसपोर्ट से? नहीं उठा पाएंगे, लेबर बुलाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन रहता है। हाँ। बाकी अगर आपको PNS एग्रो में और भी फीड्स चाहिए, वेट गेनर वेट बूस्टर फीड चाहिए, पत्ती के अलावा दाने चाहिए, मकई टुकड़ा, जवारी, जौ, सोयाबीन, बाजरी, और उसके अलावा चना, चने का छिलका, गेहूं का भूसा। ओके। और सोयाबीन भूसा, बेर की पत्ती, ये सब भी अवेलेबल रहती है। मतलब पत्ती तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको जो चीज चाहिए बकरों से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा, रेट भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और एक बात बोलना चाहूँ, अगर कोई ऑल ओवर इंडिया मंगा रहा है तो ट्रांसपोर्ट में चार्जेस लगता है। जो छोटी गोनी रहती है समझो दाने की, उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज कम लगता है। हरी पत्ती की गोनी कैसा देख रहे हो, बड़ी गोनी है, उस पर चार्ज वेट लगता है। Okay. चार्ज वेट मतलब गोनी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब नापी जाती है। हाँ। उसके साथ ही साथ वजन भी देखा जाता है। सही। तो अगर 40 किलो की हरी पत्ती ली है आपने तो उसका चार्ज वेट 40 किलो नहीं लगेगा, उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज अराउंड 60-80 केजी के आसपास लगेगा। मतलब डबल जाएगा, डबल के करीब जाता है। Okay. लोग यही बोलते हैं मैंने 30 किलो पत्ती लिया था उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज 60 किलो का क्यों लगा है। हम नहीं लगाते अपनी मर्जी से, ट्रांसपोर्ट का यही रूल है। तो आप अपना गाड़ी को अरेंज कर लो, अगर डायरेक्ट किसी को माल चाहिए मुंबई से कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है जी, तो भी हम लोग अरेंज करके देंगे, सामने वाले को अपना ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर हमारा PNS का स्टार्टर मिक्स फीड लेते हो आप 20 केजी का बैग, उसमें दो बैग लेते हो 40 किलो के,
20-20 किलो के दो बैग, तो उसका 40 का 40 ही लगेगा क्योंकि कॉम्पैक्ट गोनी हम लोग खुद बनाते हैं, छोटी गोनी आती है, छोटी गोनी रहती है, तो वेट पे ही जाएगा, जो वेट है वही वेट पे जाएगा। तो अगर समझ लो किसी को पत्ती पॉसिबल नहीं है तो आप स्टार्टर ट्राई करिए, हाँ। सेम मतलब आपको दाने भी मिल जाएंगे, पत्ती भी मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए जानवर को, बकरी है, बकरे है, छोटे बच्चे है, मेंढे है, दुम्बे है, तो आपको हरी पत्ती की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी हमारे GNG मिक्स फीड में, ग्रीन एंड ग्रेन्स। इसमें हरी पत्ती आएगी, चना आएगा, मकई टुकड़ा आएगा, अक्खा मक्का आएगा, सोयाबीन आएगा, जवारी, जौ, बाजरी, गेहूं, ये सब भी आएगा, साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी मिक्स है। तो ओवरऑल एक अच्छा मिक्स फीड है, बजट में है, इस पे चार्ज वेट भी नहीं लगेगा। हरी पत्ती लोग है, फाइबर आइटम है, बहुत अच्छी चीज है डाइजेशन के लिए, लेकिन महंगी पड़ जाएगी, इससे रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा। तो अगर GNG लेते हैं तो वेट गेन भी होगा, और एकदम एक्सट्रीम वेट बूस्ट करना है तो PNS स्टार्टर है, उसमें भी हरी पत्ती है। तो मतलब आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, जो भी पॉसिबल रहेगा पत्ती स्टार्टर GNG सारी चीजें भिजवा देंगे। थोड़ा एक बार पत्ती लास्ट में बता दीजिए, और बार देखो सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी। हाँ तो कई बार ऐसा होता है कि अंदर से ज्यादा कांडी है, ज्यादा वेस्टेज निकल रहा है। अच्छा अभी ये जो पत्ती आई है आप इसको क्या रेट करोगे 10 में से ये पत्ती रेगुलर बेच रहे हो? मेरे हिसाब से पत्ती 10 में से 8 है। 8 है, तो थोड़ा बहुत हल्का वेस्टेज आएगा इसमें, हल्का वेस्टेज आएगा, थोड़ी कांडी रहेगी, कांटे रहते हैं, फिल्टर में भी ऐसे कांटे आते हैं, लेकिन अब हर बाल पूरा मतलब हर हाथ में कांटे नहीं रहेंगे। सही, वही बात है। तो 10 में से आप 8 इसको ले सकते हैं, 8 की रेटिंग है क्योंकि इसमें कुछ पत्ती छोटी भी है और एक कांटे का, कांटे का भी, और कुछ पत्ती छोटी है, कुछ पत्ती अच्छी बड़ी साइज भी है, कुछ पत्ती बारीक है, न्यू सीजन की है तो जल्दी कटिंग हो जाती है, तो कुछ पत्ती बड़ी हो नहीं पाती है। ओके, तो अगर किसी को भी पत्ती बुकिंग करना है आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। PNS एग्रो की मेन ब्रांच ये मतलब मुमरा का है, और बाकी अगर कहीं और भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस है अपनी? हैदराबाद में एक ब्रांच है, बेंगलोर में ब्रांच है, अहमदाबाद में है, साउथ मुंबई में है, पुणे में ब्रांच है, और भटकल में है। तो अगर आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी है, नॉर्थ इंडिया में नहीं, अगर नॉर्थ इंडिया में किसी को डीलरशिप चाहिए, किसी को PNS का दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करना है, जैसे टॉनिक्स हो गया, फार्म इक्विपमेंट हो गया, हमारा मिक्स फीड हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, तो आप हमें उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप सेलिंग के लिए ले सकते हो। सारे प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है, वो भी उसकी भी आपको डीलरशिप मिल जाएगी, आप इंडिया में कहीं पे भी मंगवा कर आप सेल कर सकते हो अपने लोकल मार्केट में। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन काफ़ी डिटेल भी दी भाई ने, तो इस वीडियो के लिए रखेंगे बस इतना ही। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।